मैं अरुण कुमार फ्रॉम रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वर्ग 8 के लिए पार्ट 3 जो पिछले दिन पढ़ाया गया था भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो पाठ पढ़ाया जा चुका है और उसका प्रश्न उत्तर लेके आज हम आए हैं। आज इसका प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न में एक नंबर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कब राष्ट्रपति पद की शपथ ली? उसका उत्तर है 25 जुलाई 2002। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में। प्रश्न नंबर 3, रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का नाम क्या था? उत्तर है पक्षी लक्ष्मण। प्रश्न नंबर 4, 1980 में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या उल्लेखनीय कार्य किया? इसका उत्तर है, भारत ने अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। प्रश्न नंबर 5, डॉक्टर अब्दुल कलाम किन किन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे? उसका उत्तर है कुरान तथा भगवत गीता। अब है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी प्रतिभा से विश्व को चौंका दिया कैसे? उसका उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लेते हुए भी भारत गणराज्य के सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति का पद सुशोभित किया तथा विज्ञान संबंधी कई अन्वेषण किए और सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हुए। अतः कहा जा सकता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी प्रतिभा से विश्व को चौंका दिया। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में पाठ के आधार पर बताइए। पाठ के आधार पर डॉक्टर अब्दुल कलाम छोटी कदकाठी के साधारण सा दिखने वाला बच्चा थे तथा अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। उनका बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर अब्दुल कलाम की माँ उन्हें किस प्रकार भोजन खिलाती थी? उसका उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करते थे। उनकी माँ उनके उनके सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने पिताजी के बारे में क्या क्या बताया है? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने पिताजी के बारे में यह बताया है कि रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते। 5वां प्रश्न, डॉक्टर अब्दुल कलाम की शिक्षा दीक्षा के बारे में पाठ के आधार पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, पाठ के आधार पर डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के स्वार्टज हाई स्कूल में पूरी हुई। 1950 में त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया तथा 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। प्रश्न नंबर 6, डॉक्टर अब्दुल कलाम के सेवा कार्यों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। उसका उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 1980 में पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान रोहिणी को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया।
उसके बाद भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर वीएस अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की तथा कई मिसाइल बनाए। 2002 से 2007 तक सर्वोच्च सम्मानित राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। प्रश्न नंबर 7, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? उत्तर है, डॉक्टर वीएस अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत डॉक्टर कलाम ने त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग अग्नि और रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाई। तत्पश्चात उन्हें सभी मिसाइल मैन के नाम से जानने लगे। प्रश्न नंबर 8, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम स्वतंत्र भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी बहुत अनुशासन प्रिय थी। वे शाकाहारी थे तथा कभी शराब का सेवन नहीं किया। वे मूलतः राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याणकारी नीतियों के कारण राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माने जाने लगे तथा वे भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, साक्षात्कार में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक अच्छे आदमी के क्या लक्षण बताए? उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने साक्षात्कार में एक अच्छे आदमी के यह लक्षण बताए कि वह दिल का साफ सुथरा हो, जैसे भगवान राम थे। जब उनकी सौतेली माँ ने जंगल जाने के लिए कहा तो तुरंत तैयार हो गए। ऐसी अच्छाई 3 लोग ही सिखा सकते हैं, माता, पिता और आपके प्राइमरी स्कूल के टीचर। प्रश्न नंबर 10, जीवन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को क्या सबक सिखाए? उसका उत्तर है, जीवन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को निम्नलिखित सबक सिखाए। एक नंबर है, जब आप 20 साल से कम उम्र के हों तभी जीवन का लक्ष्य बना लें। दूसरा है, लगातार सीखते रहें और जानकारी बढ़ाते रहें। तीसरा है, मेहनत करते रहें और काम में जुटे रहें। चौथा है, जब कोई समस्या आए तो हालात और परिस्थितियां आपको नियंत्रित न करें, बल्कि आप उन्हें नियंत्रित करें और जीत हासिल करें। 11वां प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अनेक अवसरों पर प्रेरक बातें कहीं, उनमें से किन्हीं 2 कथनों का उल्लेख करें? उसका उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अनेक अवसरों पर प्रेरक बातें कहीं जिसका उल्लेख निम्नलिखित है, पहली जीत के बाद आराम मत करो क्योंकि अगली बार नाकाम हुए तो लोगों को यह कहने का बहाना मिलेगा कि पहली जीत तो भाग्यवश मिली। दूसरा है, इंसान के जीवन में मुश्किलों की ज़रूरत होती है क्योंकि कामयाबी का आनंद लेने के लिए वे ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 12, डॉक्टर अब्दुल कलाम के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए क्या कहा? उसका उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा, कलाम पहले राष्ट्र के रतन थे और बाद में राष्ट्रपति। कलाम की शख्सियत बेहद खास थी, उनकी ज़िंदगी हमें प्रेरणा देती है, युवाओं को प्रेरणा देती है। अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन के अनुसार डॉक्टर अब्दुल कलाम कैसे शख्सियत थे? उत्तर है, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन के अनुसार
83 वर्ष के कलाम ऐसे नेक शख्सियत थे जिनमें 38 वर्ष की ऊर्जा और उत्साह था और 8 साल के बच्चे की से मुस्कान थी। आपका लिखित और मौखिक प्रश्न उत्तर समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग, एक और है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न जिसमें गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ के उसका उत्तर देना है। गद्यांश को पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही? तो उसका उत्तर है डॉक्टर अब्दुल कलाम की। परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किए गए? तो परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को रेगिस्तान के रेगिस्तानी इलाके में किए गए। इन परीक्षणों का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है इन परीक्षणों का अन्य देशों पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई। अब है बहुविकल्पी प्रश्न में डॉक्टर अब्दुल कलाम बचपन में कहाँ बैठकर खाना खाते थे? उत्तर है रसोई घर में नीचे बैठकर। उसके आगे है डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो उसका उत्तर है सेंट जोसेफ कॉलेज। तीसरा नंबर, शुरू में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारतीय सेना के लिए क्या डिजाइन किया? तो उत्तर है एक छोटा हेलीकॉप्टर। चार नंबर, डॉक्टर अब्दुल कलाम स्वयं को किस रूप में ज़्यादा पसंद करते थे? तो उसका उत्तर है एक अच्छे आदमी के रूप में। अब पाठ से आगे है, इसको स्वयं करना है आप लोगों को। चलते हैं भाषा अध्ययन की तरफ। भाषा अध्ययन में सबसे पहले है उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। तो कुछ में उपसर्ग है, उस किसी में नहीं है। जैसे ज्ञानी, ज्ञानी में कोई उपसर्ग नहीं है, उसका प्रत्यय है ई। विज्ञानी में बी उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। प्रेमी में कोई उपसर्ग नहीं है, ई प्रत्यय है। धनवान में कोई उपसर्ग नहीं है, वान प्रत्यय लगा हुआ है। सुशोभित शब्द में सु उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। आध्यात्मिक में आ उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। निश्चिंतता में कोई उपसर्ग नहीं है, ता प्रत्यय है। प्रारंभिक में प्र उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। साहित्यिक में कोई उपसर्ग नहीं है, एक प्रत्यय है। अविवाहित में अ उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। संधि विच्छेद है दूसरा नंबर में सर्वोच्च, उसका उत्तर होगा सर्व प्लस सर्व जोर उच्च। शाकाहारी साक जोर आहारी, परमाणु परम जोर अणु, महोत्सव महाजोर उत्सव। अब उसके बाद है तीसरा नंबर में नए शब्द निर्माण करना है। प्रतिभा से बनाया गया है प्रतिभावान प्रतिभाशाली, मतलब प्रतिभा शब्द से आना चाहिए नया शब्द के निर्माण में। तो उच्च है तो उच्चतम हो गया, ऊंचाई हो गया। निर्भर है निर्भरता हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। राष्ट्र है तो राष्ट्रीय, राष्ट्रभक्त। गंध है तो गंधक, गंध रहित। चौथा प्रश्न है विशेषण और विशेष छांटकर सामने लिखना है। मैं कई बच्चों में एक था, इसमें कई विशेषण हो गया और बच्चों विशेष हो गया। छोटी कद काठी का बच्चा था, इसमें छोटी विशेषण कद काठी विशेष। सात भाई बहनों में सबसे छोटे थे, सात हो गया विशेषण भाई बहनों विशेष। जब कोई समस्या आ जाए तो कोई यहाँ पर विशेषण समस्या विशेष। अब आगे है पाँच नंबर में विलोम शब्द लिखना है। तो पाप का पुण्य हो गया, साधारण का असाधारण या विशिष्ट, सुंदर का बदसूरत या खराब, असुंदर भी लिख सकते हैं, धर्म का अधर्म, सुगंध का दुर्गंध, सम्मान का असम्मान। अब प्रश्न नंबर 6 में है, इसमें कुछ बदलाव करना है। राम की सौतेली माँ ने जंगल जाने को कहा, वे तुरंत तैयार हो गए। दो वाक्य है, उसको एक ही वाक्य में बदलना है। राम सौतेली माँ के कहते ही जंगल जाने को तैयार हो गए। इसको आप खुद से करेंगे। इस तरह से आपका ये पाठ 3 का प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया है और इसको अपने फेयर कॉपी में सुंदर सुंदर एवं साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे और मैसेज के अनुसार इसको कॉपी को विद्यालय में सबमिट कर देंगे। धन्यवाद। चलिए 8 तक हो गया।